स्वागत है आप सभी जेटेक बॉस के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं एक ऐसी एलईडी के बारे में बताने वाला हूं जो 10 फुट चौड़ी है और 8 फुट लंबी है। आपको इसका इंच के हिसाब से बता देता हूं, 120 इंच चौड़ी एलईडी है और 96 इंच चौड़ी। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, इसको कैसे सेटअप किया जाता है। इतनी बड़ी टीवी जैसे हॉल में आप देखते हैं बहुत बड़ा पर्दा, इतना बड़ा पर्दा, इतनी बड़ा एलईडी टीवी को मैं दिखाने वाला हूँ, उसको कैसे सेटअप किया जाता है और उसको चालू कैसे किया जाता है। इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम मिलने वाली है, तो आज मैं आप सभी लोग लेके आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पहली बार है जेटेक बॉस पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका कोई सवाल या कुछ सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इतनी बड़ी एलईडी को सेट किया जाता है। एक पीस आता है, डबल पीस आता है, कितने पीस आते हैं। तो यहां आपके सामने मैं आपको सेटिंग का दिखा रहा हूं और आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको कैसे सेट किया जाता है और इसके प्रोसेसर क्या है। यहाँ देखिए उसका जितना भी डेटा केबल है, कैट 6 का वायर है और भी बहुत सारा है। तो इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है तो मैं अलग से दिखा दूंगा। और ये देखिए इस तरीके के बॉक्स में आता है, एक बॉक्स में 5 पीस होते हैं। और मैं पहले बता दिया आपको 2x2 का पीस होता है, तो एक बॉक्स में 5 पीस होते हैं। तो आप सोच लीजिए ये देखिए एक पीस कितना बड़ा है। और इसको ज्वाइंट करने का लॉक आता है, यहाँ देखिए मैं आपको अभी लगा के दिखवाऊंगा। और ये पब्लिक प्लेस में लग रहा है एक जगह, तो मैं उसकी वीडियो करके दिखा रहा हूँ। और मेरा एक फ्रेंड है जो इसमें ये काम कर रहा है, ये एक मेरा ये उठा रहा है, ये मेरा एक फ्रेंड है इसमें काम करता है। तो आगे आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है कि इसको कैसे सेटअप करना है, इसके बारे में और भी कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ देखिए उसको कैसे ज्वाइंट किया जाता है, इसी तरीके से आप भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। और इसको देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी एलईडी बन जाएगी। और जब ये चालू होगा तो उस टाइम देख लीजिएगा, लगेगा नहीं कि कहीं भी ज्वाइंट है इसमें। इसमें 5 पीस ऐसे लगाया गया है और खरे में 4 पीस लगेगा, तो आपको समझ लेना है 4×5=20 पीस लगेगा 2x2 का। तो कितना इंच का हो जाएगा ये, और मैं आपको दिखाऊंगा पूरा फिक्स होने के बाद भी। थोड़ा वीडियो को पॉज करके दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए लग गया है और एक लाइन लगा है इसका, अभी इसके 4 लाइन लगाने हैं, कितने लंबे हो जाएंगे मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। आप देख लीजिए और समझ लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पहली बार है जेटेक बॉस पे और इस तरह वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और नीचे कॉमेंट करके बताइए कि जावेद भाई इस तरह की वीडियो लेकर आया कीजिए और इसका टेक्निकल जो भी फीचर है वो बताइए। तो मेरा जो फ्रेंड है, मेरा खुद की हॉबी नहीं है ये, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो ये काम कर रहा है, मैं ये देखिए अभी बॉक्स खोल रहा है, तो मैं उसको उससे पूरी जानकारी लेकर उसको भी बुला के अपने ऑफिस में वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ देखिए एक बॉक्स में 5 पीस है और पांचों पीस 2x2 का है और उसका लक सिस्टम है, सबको लक किया जाता है। देखिए इस तरीके से निकलता है ये, और इसको जब एक साथ सेट कर दिया जाता है तो वो एकदम एक सरीके चलता है, कोई भी अलग या ज्वाइंट नहीं दिखेगा। मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा कि इसमें ज्वाइंट दिखता है कि नहीं दिखता और इसकी क्वालिटी कैसी होती है, वीडियो की जो क्वालिटी होती है शायद आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा। और पब्लिक प्लेस में खुले में लगने के बाद भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर इसको आप बंद जगह जैसे हॉल में, थिएटर में लगता है उस तरह की जगह में या ऑफिस की जगह पे लगाएंगे तो और अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, लेकिन ये खुली जगह में लग रहा है एक रोड पे, तो वहाँ पे इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँगा। और देख लीजिए इसको किस तरीके से सेट किया जाता है, एक एक करके रखा जाता है, इसको लॉक किया जाता है, लॉक मारने के बाद ये सेट होता है। तो चलिए ये देखिए यहाँ और भी सेट हो गया, मैं इसका बैकग्राउंड दिखाता हूँ। यहाँ देखिए चालू हो रहा है, पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए बैक में कितना सारा डेटा कनेक्ट किया गया था, पहले इसको खड़ा किया गया था, बाद में इसके पूरा डेटा कनेक्ट किया गया, जितने जितने वो लोग कनेक्ट किया जाएगा सब चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं इसको आपको सामने से भी दिखाऊंगा और चालू करके भी दिखाऊंगा। इसका सेटिंग किया जाता है लैपटॉप कंप्यूटर से, इसको सेटअप किया जाता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। मैं सब दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। यहाँ देखिए चालू किया जा रहा है, लैपटॉप से कनेक्टेड है और वायरलेस चलता है ये, तो लैपटॉप से कनेक्टेड है। यहाँ देखिए सामने लैपटॉप रखा है और ये चेक किया जा रहा है कि यहाँ सही चल रहा है कि नहीं। अभी सिर्फ 2 को चालू किया गया है, सॉरी 3 को। अगर आप चैनल पहली बार इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 चालू हो गया और अभी धीरे धीरे सब चालू होगा, 4 चालू हो गया है अभी। और फुल पर्दे में जब आएगा तो वो भी मैं दिखा देता हूँ जैसे जैसे इसको सेटअप किया जाता है, और आपको लगेगा नहीं। देखिए 5, 4 हो गया है और इसमें आपको देख सकते हैं कि आपको लगेगा नहीं
कि ये इसमें ज्वाइंट है, कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखेगा जब ये फुल पर्दा आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ फुल पर्दे में, क्योंकि सेटअप थोड़ा टाइम लगता है करने में, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इसका सेटअप करने में और 1 घंटे लगते हैं इनको चालू करने में, सॉरी इसको बनाने में, ज्वाइंटिंग जो जब हो रहा था उस टाइम का। तो चलिए मैं दिखा दिया और इसका बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। तो यहाँ देखिए आप फुल पर्दे में आप देख लीजिए, ये फुल पर्दा है और चालू है और आप बता नहीं सकते हैं कि ये स्टेट पर डायरेक्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ या एलईडी का बना रहा हूँ। ये एलईडी का है, वो भी पब्लिक प्लेस में एलईडी लगा हुआ है, रास्ते में अगर ये कोई अंधेरी जगह पे लगेगा तो ये बहुत अच्छा एलईडी आएगा।